पृष्ठ संख्या 118 सौ कला कर्म एक विचित्र उन्माद है इसे विश्वास से सहेजना है संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा जन्म सन 1922, बाबरिया गांव, मध्य प्रदेश सम्मान ग्रेट ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेडर्स मृत्यु हो गया अच्छा मृत्यु सन 2016 में रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है इनमें हुसैन सबसे ज्यादा घुमक कर रहे लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहां की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार हैं पृष्ठ संख्या एक सौ उन्नीस यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है यहां यह भी गौर तलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया है रुडाल पियर गोदीबेर, गोदी जॉक लासे मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष उसकी सृजनात्मक बेचैनी अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उनका जुनून ये सारी चीजें इसमें बहुत ही रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं।